एकता टीवी विच आप जी का स्वागत है। जो तस्वीर देख रहे हो करतारपुर दियां ने, जिथे नगर कौंसल दियां चोणां च सब डिवीजन करतार विखे 15 वार्डा के 83 उम्मीदवार ने अपने नामजदगी पत्र दाखिल करवाए सन, जिन्हां चों अज SDM श्री राहुल सिद्धू जी की देख रेख में 10 उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र वापस लाए और जिन्हां चों 11 नंबर वार्ड की महिला कांग्रेसी उम्मीदवार को अनपोल जेतू घोषित कर दिता गया, जबकि हुण बाकी 14 वार्डा के चोण मुकाबले होंगे। और सुनते हैं की कहना SDM साहब का। अज कुल मिला के कल तक सानू टोटल नॉमीनेशन 83 आए थे 15 वार्डा, उन्होंने 10 नॉमीनेशन विदड्रॉ कर किए गए हैं, तो 73 नॉमीनेशन से जिस विच कुछ नॉमीनेशन पार्टियां वालों दिए गए तो बाकी इंडिपेंडेंट वालों दिए गए, तो इंडिपेंडेंट सारियां नू रूल मुताबिक सिंबल अलॉटमेंट किए जा चुके हैं। एक वार्ड वार्ड नंबर 11 विच अनअपोज्ड सीट रही है, तो उन्होंने उसते इलेक्शन नहीं होने, उन्होंने एज इट इज सर्टिफिकेट दिता जाने। एक बार वो INC इंडियन नैशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो अनअपोज जीते हैं वार्ड नंबर 11 च। इलेक्शन दे मेरे ऑफिस का नंबर इतने तहसील ऑफिस में लिखा हुआ है, तो यही सेंट्रल ऑफिस रहेगा शिकायत सेल का नंबर, वो नंबर तुम्हें नोट करवा दिता जाएगा, उससे तुम अपना वो कर प्रेस राही इसमें ज़्यादा तो ज़्यादा कवरेज दो कि किसी ने इलेक्शन या कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट संबंधी या कोई एक्सपेंडिचर संबंधी कोई शिकायत करनी है, तो जो शिकायत सेल बनया है उसका नंबर प्रेस में ब्रीफिंग से प्रोवाइड किया जाएगा। करतारपुर तो बरिंदर लवली दी विशेष रिपोर्ट, तुसी देख रहे हो एकता टीवी। तुसी देख रहे हो एकता टीवी।